हमें ये कठिनाइयां पार करके जाना पड़ेगा। आजा भाई इधर से, आजा। अच्छा उधर थोड़ी कम कठिनाई है। क्या उजड़ी यूनिवर्सिटी बना रखी है तुमने इसको। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अंजलि यादव एंड यू आर वाचिंग माय न्यू व्लॉग एंड दिस इज माय ट्वीन, दिस इज कोमल यादव। आप लोग इसको जानते हो। Hey guys, follow me on Instagram. follow her on Instagram, जिस पे ये कुछ भी नहीं डालती है। सिर्फ इसने अकाउंट ओपन करके छोड़ रखा है। चारी को ना मेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं इससे मिलने आ गई। भाई ये बता तेरे को क्या याद आ रही थी है? भाई ना मेरे को घर जाने का मन करता है क्योंकि ये हॉस्टल वाले खाना बिल्कुल अच्छा नहीं देते। थोड़े जोर से बोला अगर उनको सुनता नहीं है फिर बस कहते सुनाई नहीं दिया। बहुत केयरिंग है ये लोग, सारी चीज नोटिस करते हैं। Oh my God. तो अभी हम ना क्योंकि हम लोग इनकी लवर्स पॉइंट वाली लेक पे गए थे लेकिन वहाँ पे इनके कमल कुमल नहीं लगे हुए थे तो इसने बोला कि बॉटनिकल गार्डन में लगे हुए, तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं। और वहाँ की पिक्चर्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आईडी मेंशन है। ऑल्सो मैंने आप लोगों को बोला था स्नैपचैट पे फॉलो करने के लिए, आप लोगों ने किया ही नहीं, मुझे कर लिया करो यार ये री आईडी। दुखी आत्मा से देखो इसका बेचारी का चेहरा देखो, इतना सूख गया है। ऐसा ही था नहीं, सूख गया है। बहुत मोटा मुंह था इसका गाइस, पहले बहुत ही ज्यादा मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हमारा बच्चा वहां खाना चिड़िया खा रही, वेस्ट नहीं करते हम बिल्कुल भी। लड़ाई कर रही है, एक को दबा दिया नीचे। ये मैडम को पता ही नहीं है कि इनकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है क्या नहीं होता है। आज छुट्टी है और इनका जो बोटेनिकल गार्डन है वो बंद है। मैडम जी कह रही थी कि लाइब्रेरी खुली है तो अभी खुला ही होगा। मैंने कहा था शायद, मैं वो पक्का नहीं कहा था, मैंने कहा था शायद, लेकिन वो बंद है। तो अभी हम मैडम का रूम देखने जा रहे हैं क्योंकि जब से इसने दूसरा हॉस्टल शिफ्ट किया है ना मैं गई ही नहीं हूँ इसका रूम देखने। आई तो बहुत बार हूँ मिलने बट रूम देखने नहीं गई, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये है दीदी का रूम, इस बार इनका रूम बड़ा है ना गुड्डू? पिछली बार वो सिंगल रूम था, उसमें दो रहते थे। दरवाजा बंद कर देते हैं पहले। ये बेड गुड्डू का है और ये बाकी उसकी रूममेट्स का है जो अभी यहाँ पे नहीं है। और ये टेबल मिली है इसको, ये चेयर और ये बेड और ये अलमीरा है ना। बस यही सब मिलता है सबको ही। ये इनकी टेबल का सही लगा मेरे को, इतनी बड़ी टेबल, पूरा स्पेस है इसमें बहुत सारा। हमारे सिर्फ ये नीचे वाला होता है। ये जग है ना पहले मैं लेने वाली थी, ऐसा जग मैंने एक बार लिया था ना घर से लेके गई थी मैं, फिर वो लॉकडाउन में गुम हो गया था मेरे रूम से। हाँ ये दीदी ने अपना सामान रख रखा है यहाँ पे। ओ बादाम काजू, बड़े लोग बादाम काजू खाते हैं, घर वाले मुझे नहीं दिलाते। इसकी अलमारी दिखाती हूँ। ओहो अलमारी के ये बांध रखा है इसने रिबन। पहले तुम लोग दो शेयर कर रहे थे ना पिछले वाले रूम में। हाँ अभी इनको अलग अलग अलमारी मिल गई क्योंकि ये सेकंड ईयर में हो गए। ये इसका जूतों का कलेक्शन है, ये इसके कपड़े हैं, ये भी कपड़े हैं, जैकेट वैकेट टंगी हुई है ऊपर, दीदी का मेकअप। ये भी दीदी का सामान है, इसमें भी कपड़े हैं दीदी के, ऊपर दीदी के बैग लगे हुए हैं और रजाई। मैंने तो रजाई निकाल भी ली, बंद कर देते हैं दीदी के अलमारी, रिबन भी लगा देते हैं। ये दीदी ने डेकोरेशन कर रखी है। डेकोरेशन yes, और ये दीदी ने डेकोरेशन के नाम पे एक यहाँ पे तोता भी लगा रखा है और ये इसकी बिल्ली है, ये मैं चुराऊंगी कभी ना कभी। मेरी सारी चीजें चुरा ले। बिल्कुल। सो अभी हमने कैमरा कर दिया है फिक्स, पीछे खिड़की में लगा दिया है। एंड ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे लास्ट व्लॉग में जब मैंने एचयू का व्लॉग डाला था,
तो उन लोगों के क्वेश्चन थे कि आपकी बहन कौन सा कोर्स करती है, तो बहन बताएं आप कौन सा कोर्स करती है। मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, जो 4 साल का कोर्स होता है और ये सेकंड ईयर में है इस बारी। मैं सेकंड ईयर। और कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या हॉस्टल में आपको गद्दे लेके आने पड़ते हैं, एक लड़के ने पूछा था। तो हाँ, गद्दे तो भाई लेके आने पड़ते हैं, मतलब ये थोड़ी है कुछ अलग थोड़ी है, सेम वैसा ही जैसा सभी हॉस्टल्स में होता है। और हाँ, और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या आप लोग ट्विंस है। नहीं, हम लोग ट्विंस नहीं है, ये मेरे से 3 साल छोटी है, मैं इससे 3 साल बड़ी हूँ, बस हमारा फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा मिलता है, बाकी हम दोनों ट्विंस नहीं है। और एक लड़के ने पूछा था कि बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, तो बता। बीटेक एग्रीकल्चर में प्रोसेस है, HTSC के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें प्रीफ्रेंस में HOA भी आती है, और उसी के थ्रू आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होता है। आपकी रैंक के बेस पे, जेई मेंस की रैंक के बेस पे आपको कॉलेज मिलता है, और ऑल्सो ICR के थ्रू भी एडमिशन होता है, जिसकी 6 सीट है ICR की। यहाँ पे आप ICR के थ्रू भी आ सकते हो, एंड आप सेकेंड ईयर में लीड के थ्रू भी आ सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स में तो आप आ सकते हो। ऑल्सो फिजिकल काउंसलिंग भी होती है यहाँ पे, उसमें भी आप आ सकते हो। ओके, पता चल गया। तो यही 2-4 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछे थे, तो मैंने सोचा कि मैं रिप्लाई कर दूं वीडियो में ही। एंड हाँ, जो यहाँ पे जो HAU के व्यूअर्स मेरी वीडियो देखते हैं, लास्ट ब्लॉग पे जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे लव फ्रॉम HAU, लव फ्रॉम HAU, लव फ्रॉम HAU, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। एंड ये जो लव है, प्यार है आप लोगों का, आप लोग ऐसे ही बनाए रखें हर वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज एक्चुअली मैं ना बस इससे मिलने ही आई थी, क्योंकि इसका बहुत ही हो रहा था कि मेरे को घर वालों से मिलना है, मेरा मन नहीं लग रहा। तो मम्मी ने बोला भाई इससे हुआ, वैसे आज मेरा एग्जाम, आज नहीं कल मेरा एग्जाम है, आज मेरे को पढ़ना था, बट मैं इससे मिलने आई। चुम्मी चुम्मी। हाँ, एक बार जाती हूँ मैं, इसने ना इसके लिए मैं कुछ कपड़े लेके आई थी, इसको कुछ ड्रेस चाहिए थी, मैं इसके लिए ले आई, तो ना मैं इसने मम्मी को कॉल किया, कहती है मेरी बहन तो बहुत अच्छी है मम्मी, मेरे लिए कपड़े लेके आई। मैंने एक बार बोला तभी ला दिया। फिर परसों इसने मेरे को मैसेज किया कि यार तू कब आएगी, मैंने कहा भाई टाइम लगेगा तभी तो आऊंगी, कहती है मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, कहती टाइम लगेगा तभी तो आऊंगी। एक ही मिनट में मैं अच्छी हो जाती हूँ, एक ही मिनट में बुरी हो जाती हूँ। ऐसे होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। तो ये व्लॉग इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय। बाय करना, बाय। एंड लाइक बोल, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब याद से कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, एंड अगर आप लोग चाहते हो ना कि हम लोग साथ में व्लॉग वगैरह बनाएं या कोई चैलेंज वीडियो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए प्लीज। ओके, बाय बाय, सी यू सून।